नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं बॉलीवुड की खास खबर। जिंदगी भर शादी नहीं करना चाहते सलमान खान, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे भाई जान के जबरा फैन। सलमान खान बॉलीवुड के उन सितारों में से एक है जिनके दीवानगी न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में फैली हुई है। सलमान के एक्टिंग और उन चुलबुले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनकी एक्टिंग इतर बॉलीवुड के सुल्तान से सबसे ज्यादा जो सवाल होता है वो है उनकी शादी से जुड़ा हुआ सवाल। सलमान शादी कब करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात का पता चल गया है। सलमान के परिवार के बेहद करीबी सोर्स ने इस बात की जानकारी दे दी है कि आखिर सलमान शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। पिंक विला में छिपी एक जानकारी के अनुसार सलमान खान के परिवार के बहुत करीबी एक सोर्स ने बताया कि सलमान अपने परिवार की वजह से शादी नहीं कर रहे हैं। सोर्स ने कहा, सलमान अपने परिवार को पूरा समय और अटेंशन देना चाहते हैं। सलमान अपने परिवार को पूरे लॉयलिटी से चाहते हैं। बहुत बार वो शादी करने के लिए सोचते हैं, मगर फिर वो उन्हें लगता है कि वो किसी तीसरे पर्सन को फैमिली जैसा समय नहीं दे पाएंगे। यही सोचकर वो शादी से फिर दूर चले जाते हैं। सलमान को लगता है कि ऐसा करना गलत है कि किसी से शादी कर लो और फिर उसे अटेंशन और प्यार ना दे पाओ, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते। अंगद बेदी ने पत्नी नेहा धूपिया संग इंस्टा पर रोमांटिक अंदाज में शेयर की तस्वीर। अंगद बेदी और नेहा धूपिया अक्सर एक दूसरे के साथ कई बार अपनी तस्वीरों को फैंस के साथ साझा करते रहते हैं। अब हाल ही में अंगद ने अपने इंस्टा पर पत्नी नेहा संग बेहद रोमांटिक तस्वीर शेयर की है। इन सभी तस्वीरों को देखने के बाद फैंस ने भी सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ की है। नेहा धूपिया ने 18 नवंबर को एक बच्ची को जन्म दिया है। मेंटल है क्या कि प्रोड्यूसर बोले, किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है मकसद। फिल्म के नाम को लेकर हुआ है विवाद। अभिनेत्री कंगना रनौत और अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म मेंटल है क्या के निर्माताओं ने कहा कि यह फिल्म मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के शिकार हुए लोगों के साथ भेदभाव नहीं करती है और न ही इसका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना है। यह प्रतिक्रिया प्रोडक्शन हाउस बालाजी मेंशन पिक्चर्स की तरह से इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की शिकायत के एक दिन बाद बताया गया है। IPS ने फिल्म प्रमाण बोर्ड के पास इस फिल्म को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इस फिल्म को पोस्टर हाल ही में रिलीज हुआ है। CBFC को लिखे अपने पत्र में कहा है, हमें फिल्म के शीर्षक पर गंभीर आपत्ति है जिसके जरिए मनोरोग और मनोरोगियों को अपमानजनक, भेदभावपूर्ण और अमानवीय तरीके से दिखाया गया है। इस फेमस कॉमेडी फिल्म के सीक्वल में राजकुमार राव निभाएंगे धर्मेंद्र पाजी का रोल। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।